अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिव्यूज़ दो चीज़ों के, ऑर्डिनरी की AHA 30% सोल्यूशन के, BHA 2% सोल्यूशन। ये पेयरिंग सोल्यूशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेयरिंग सोल्यूशन से आपकी डेड स्किन सेल्स, जो आपके स्किन के ऊपर एक लेयर आ जाती है, डेड लेयर, उसको रिमूव करता है और नीचे से आपकी फ्रेश स्किन जनरेट करता है। तो ये मैंने ख़ुद पर्सनली यूज़ किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके रिव्यूज़ दूँ। जैसा कि ये दो एसिड्स से मिलके बना है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो फिर एसिड्स थोड़ा सा हर स्किन पर नहीं सूट करते, आपको इसके लिए पैच टेस्ट करना पड़ेगा। मींस आपको अपनी आम बाजू पर इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि आपको ये इरीटेट ना करे और ये आपके लिए सूटेबल भी है कि नहीं है। तो ये वैसे एक्नी के लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। अगर आपके पास एक्नी हो रहे हैं आपके फेस पर, या आपके एक्नी के निशान हैं आपके फेस पर, तो ये आप बेहतरीन सोल्यूशन है। इसके अलावा ये आप वीक में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्नी का इशू हो रहा है तो आप वीक में दो दफ़ा भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं अब आपको इसका अंदर से दिखा देती हूँ ये सोल्यूशन किस तरह का होता है और इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सोल्यूशन थोड़ा सा थिक होता है और इसे मैं दिखा देती हूँ, इस थोड़ा सा थिक होता है और सही मेहरून कलर का होता है। अगर ये मैंने एक वेबसाइट से, जिस वेबसाइट से मैंने परचेज़ किया, उसका मैं लिंक भी आपको नीचे दे दूँगी। तो ये अब इस तरह है ना कि ये मार्केट में फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओरिजिनल भी होती हैं और कुछ ओरिजिनल नहीं होती, फेक भी होती हैं। तो फेस पे चीज़ अप्लाई करनी हो तो चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। आपने एक एक ड्रॉप अपने फेस पे, यानी आपने 4 to 5 ड्रॉप्स अपने पूरे फेस पर अप्लाई करने हैं और इवन एक तरह से अप्लाई कर लेने। ज़्यादा थिक लेयर भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी थिन लेयर होनी चाहिए, क्योंकि जितनी थिक होगी फिर वो आपको इरीटेट करेगी, क्योंकि इसने स्किन में अब्सॉर्ब होना होता है। और जैसा ये एसिड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आपको इरिटेट करेंगे और उसके बाद जस्ट फॉर 10 मिनट्स आपने इसे अप्लाई करना है। 10 मिनट्स के बाद आपने इसे अपना फेस वॉश कर लेना है और ड्राई कर लेना है फेस को। इसी तरह इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके साथ मैं कम्बिनेशन भी यूज़ करती रही हूँ, वो मैं कम्बिनेशन भी आपको दिखा देती हूँ। ये है नाइसिनमाइड, 10% जिंक 1%। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लाइक मैं इसे यूज़ करती हूँ, ये इसके सबसे ज़्यादा बेहतर बात, अच्छी बात यह है कि जैसे अगर आपने पीलिंग सोल्यूशन यूज़ किया है, पीलिंग सोल्यूशन के फ़ौरन बाद वॉश करके शाम टाइम, रात को सोने से पहले आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक थिक सा सोल्यूशन है नाइसिनमाइड का। नाइसिनमाइड को यूज़ किया जाता है ज़्यादातर जब आपके फेस पर ओपन पोर्स होते हैं या आपकी स्किन बहुत लूज़ हो रही होती है। ओपन पोर्स के लिए और अनइवन टोन के लिए ये नाइसिनमाइड बहुत अच्छा है। और अगर इसकी कम्बिनेशन जिंक के साथ होती है तो फिर ये आपके, जैसे छाई वगैरह आपके मुंह पर कोई होती है या कोई निशान होता है ऐसा, या एक्नी के कोई निशान होते हैं, तो ये सब इस सोल्यूशन से ठीक हो जाते हैं। मैं पर्सनली इस सोल्यूशन को यूज़ कर चुकी हूँ। अगर मैं कम्बिनेशन इसका आपको बताऊँ कि ये अल्फ़ा और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के साथ बेहतरीन कम्बिनेशन है इसका, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से ये कैसा होता है। ये ग्लू की तरह का होता है, थोड़ा थिक होता है। जब आप पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ कर लेंगे तो फिर उसके बाद अगर आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ओवरनाइट के लिए, और अगर आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको 3 से 4 दफ़ा यूज़ करने में पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये अब देखें, मैं इस तरह आप पैच टेस्टिंग भी कर लें आपको, ताकि पता चल जाए कि इरीटेट तो नहीं कर रहा। इस तरह ये देखें, थोड़ा सा देर इसको आपने वॉश नहीं करना, ये जैसे ही होगा इसको हमने ऐसे अप्लाई करके सुबह को इसी तरह सो जाना और सुबह को फिर हमने फेस वॉश करना है। आप खुद फील करेंगे कि आपकी स्किन बहुत स्मूथ एंड टाइट हो गई है। तो मैंने ये यूज़ किया, मुझे बहुत सूट किए। आप भी यूज़ करें और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।